वालेकुम हजूर. हजूर, मेरा सवाल था, रिसेंटली आपके पीस कॉन्फ्रेंसेज में आपने आइसिस के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव बातें की हैं. उसमें आपने फरमाया था कि अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी पावर इस्तेमाल करें तो उनको कुछ दिनों में रोक सकते हैं. रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल ने भी कहा था कि रफ़ एस्टिमेट है कि इनको 10 साल लग सकते हैं वाइप आउट होते हुए. तो इसको देखते हुए और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपनी फुल पावर इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे, जो लगता है जितनी इनके पास पावर है उनको ख़त्म करने के लिए, तो कितना लगता है कि इन्होंने कितनी देर रहना है, और क्या इसके वर्ल्ड वॉर के साथ भी कोई लिंक है? वो तो लिंक हो गया, वर्ल्ड वॉर तो हो गई, चार मुल्कों में तो इकट्ठी जंग हो रही है. हैं, तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कितनी देर रहेंगे. लेकिन इस अब तो इनके जो लिखने वाले हैं या थिंक टैंक वाले हैं या बस पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया है कि हमें इनके, बल्कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि हमें इनके फंडिंग को ख़त्म करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पर देना चाहिए. ठीक, और इस पर जब हम करेंगे तो इनके पास फाइनेंसिस नहीं होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे. अब सेंक्शन लगाते हैं दुनिया पे, ईरान पे सेंक्शन लगा, उसकी इकानमी को फ़र्क पड़ा, रशिया के ऊपर सेंक्शन लगाई हैं, इतना बड़ा मुल्क है उसके बावजूद फ़र्क पड़ रहा है. तो आइसिस के जो उन्होंने वेल अपने कब्ज़े में कर लिया, ऑयल वेल्स, उस पर सेंक्शन लग जाए और ये पता हो कि यहाँ से बाहर नहीं जाना. आखिर कोई ये तो नहीं कि बोतल में बंद करके क्रेट डाल के अपनी कार की बूट में रखा और ले गए तो तेल बेच दिया. आखिर ऑयल टैंकर आते हैं ना बड़े बड़े समुंदर में, वहाँ तक ले जाते हैं, क्रूड ऑयल भी जा रहा है तो जहाँ जा रहा है पता लग जाता है. तो वो सारी चीज़ें अगर सेंक्शन हों तो रोक दो, रास्ते रोके जा सकते हैं, समुंदर के भी रोके जा सकते हैं, हर जगह के रोके जा सकते हैं, ब्लॉक किए जा सकते हैं. फिर फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है? आखिर ये जो डॉलर या हार्ड करेंसी खर्च कर रहे हैं ना, डॉलर या यूरो और या पाउंड, या फिर बेसिकली डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है उमूमन, तो वो कहाँ से आता है? आखिर बैंकों को नहीं पता कि उनके कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है? हैं, होता है ना पता, तो ये सारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं. फिर यूरोपियन मुल्क हैं बाद ऐसे जो अंडर हैंड इनसे डीलिंग कर रहे होते हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन बनाते हैं, वो उनको देते हैं, उनके पास कौन से आर्सेनल इंडस्ट्री है जिस पे वो काम कर रहे हों? कोई नहीं है ना, सब खरीदते हैं ना बाहर से. तो ये तो इनकी अपनी पैदावार है और ये चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क इस तरह लड़ते रहें ताकि कभी मुसलमानों में तरक्की ना हो. अभी जो मुल्क तरक्की करने लगता है, अगर वो उनकी बातों को जितना वो डिक्टेट कराना चाहते हैं ना उस पर अमल करे तो वहाँ फसाद पैदा हो जाता है. तो इसलिए वर्ल्ड वॉर तो एक लिहाज से इसलिए भी शुरू है कि सऊदी अरब जो जाके दखल दे रहा है यमन में, उस पर उनको अमेरिका उसको कुछ नहीं कह रहा. ठीक, हालांकि वह भी दखल अंदाजी गलत है. और वहाँ अगर डेमोक्रेसी की वजह से वो चाहते हैं कि हमें राइट्स मिलें, तो सीरिया वाले भी यही चाहते थे, उनके फिर रेबल्स की क्यों नहीं मदद करते? वहाँ वो जो कबीला है क्या कहलाता है, हैं, हुसी हैं, हौसी है ना, वो जो है उनमें से अक्सरियत शियों की है, उनको उनकी भी मदद करनी चाहिए बजाय उनको मार रहे हैं. तो यहाँ इंसाफ कहीं नहीं, ये इंसाफ करना चाहें तो रेजोल्यूशन पास कर दिया उन्होंने कि ये होना चाहिए, नहीं तो ये होगा. तो जब तक ये एड करते रहेंगे, इसको इधर भी देते हैं उधर भी देते हैं, उसको भी फ्यूल कर रहे होते हैं, उसको भी कर रहे होते हैं, दोनों लड़ते रहो आपस में, हम फ़ायदा उठाएं, हालांकि फ़ायदा इनको नहीं होगा, अल्टीमेटली इनके मुल्कों में भी जाएगी और वर्ल्ड वॉर का चांसेस हैं और हो रहे हैं. यूरोप में तो हो गया ना शुरू, यूक्रेन में कुछ अर्सा तक सीज़ फायर रही, अब कल परसों की खबर थी कि दोबारा शुरू हो गया वहाँ.